हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे कि मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होने वाला है और एक दो वीडियोस हो सकता है। ठीक है, मतलब थ्योरी के ऊपर, बाकी मोस्टली हम देखेंगे और एक दो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक दो तीन में कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, एक वीडियो शायद बाकी है और दो वीडियोज़ में क्वेश्चंस देखेंगे, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देन हम नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे क्या स्टार्ट करना है, मतलब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं मास डिफेक्ट। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है, मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, गेट में और नेट में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, देखो सो मास डिफेक्ट क्या है ना, मास डिफेक्ट तुम ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कि पहले जो डेफिनेशन है उससे पहले थोड़ा सा हम एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसा हो सकता है। ठीक है, जस्ट ड्राइंग करके देख लेते। मानो कि चार प्रोटॉन है, ठीक है, और तीन न्यूट्रॉन है। ओके, ठीक है, इससे ये अलग अलग कंपोनेंट है। प्रोटॉन, चार प्रोटॉन है और तीन न्यूट्रॉन है। इससे हम एक न्यूक्लियस बना रहा है। ठीक है, ये है एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या है ना, चार प्रोटॉन है और तीन न्यूट्रॉन है। ठीक है, सो देखो, पहले न्यूक्लियस नहीं था, चार प्रोटॉन का मास है, चार प्रोटॉन का एक मास है और तीन न्यूट्रॉन का एक मास है। सो टोटल तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल मास, मैंने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ कि 7 ग्राम है, जस्ट सिंप्लिसिटी। ठीक है, मान लो कि 7 ग्राम है। ठीक है, और जब न्यूक्लियस बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि उसका जो न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस में भी चार प्रोटॉन है, तीन न्यूट्रॉन, यहाँ से ये फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसका मास देखते हैं तो 6 ग्राम। तो देख रहे हो, 1 ग्राम, 1 ग्राम कहाँ गए, 1 ग्राम कहाँ, ये 1 ग्राम को ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, इस 1 ग्राम को ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। तो जब अलग अलग कंपोनेंट था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो अलग मास था। जब न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है तो मास डिक्रीज कर रहा है, तो जो मास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन से देखेंगे। सो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, देखो ना, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, दैट कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग जब पार्टिकल था, एंड द रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। सो ये का अलग अलग कंपोनेंट का मास है, ठीक है, और जब न्यूक्लियस फॉर्म हो गया तो उस न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा एक, ठीक है, उस डिफरेंस को बोलेंगे हम मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के एक्चुअल मास के साथ हम अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगा, उसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो, मास डिफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, देखो डेफिनेशन, देखो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म, जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है ना, जो मास था, ठीक है, जो पहले जो मास था यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल का मास था और न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, तो इसका मास ज़्यादा था और इसका मास कम था। ठीक है, सो ज़्यादा मास से जब कम मास फॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मास क्या कर रहा है, एनर्जी फॉर्म कर रहा है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं ना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एग्जाम में कैलकुलेट, ये डेफिनेशन मतलब हमारा एक जनरल आइडिया हो गया। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया, एक जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट हमारे आइडिया हो गया। ठीक है, सो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो
देखो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम, ठीक है, मतलब मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। हम देखेंगे एग्जांपल, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हम अच्छे से करेंगे तब। सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इन ए एम यू इन टू सी स्क्वायर। सी को हम कैसे लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लेंगे, ठीक है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला को कब यूज करेंगे, जब मास किस में होगा, ए एम यू में, एटमिक मास यूनिट में होगा, ठीक है। बट अगर जूल में होता है, ठीक है, अगर बोले कि मास बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करो इन जूल, ठीक है, तो मास डिफेक्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा एम इंटू जूल में अगर कैलकुलेट करना हो तो 1.49 × 10⁻¹ जूल से मल्टीप्लाई करना होगा मास डिफेक्ट को। ये कहाँ से आए ना, डेल्टा एम इंटू, अब देखो ए एम यू मतलब क्या है ना, 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है। एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ दैट स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो kg मीटर टू द मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड टू दर माइनस टू, सो kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू दर माइनस टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल, ठीक है। सो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू दर माइनस टू इक्वल टू जूल। तो इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1.49 × 10⁻¹ जूल। सो बाइंडिंग एनर्जी अगर जूल में कैलकुलेट करना है तो आपको इस फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। सो डेल्टा एम इंटू 1.49 याद रखना, 1.5 मत कर लेना, क्योंकि अभी 2023 का गेट में देख रहे हो कि जो नेट एनएटी पोर्शन का जो रेंज है बहुत कम है, ठीक है। सो दो डिजिट याद रखना ही सही रहे, ठीक है। 1.49 × 10⁻¹ जूल, कैलकुलेशन में मत जाना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो कि कैसे हो रहा है, बट डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो क्योंकि टाइम बच जाता है, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी अगर मेगा वोल्ट में कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम टाइम मेगा वोल्ट में ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा वोल्ट इक्वल टू डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट है, इंटू 931.5 मेगा वोल्ट, ठीक है। कैसे आ रहा है, ठीक है। सो हमें पता है कि 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻³ जूल, तो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, इस इतना जूल है तो मेगा वोल्ट में कैलकुलेट करना सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सो कैलकुलेट करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा वोल्ट। मैंने देखा है कैसे आ रहा है मेगा, ये वैल्यू 931.5 या जो भी है, ठीक है, बट आप डायरेक्टली ये तीनों फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एंड क्या याद रखना है कि ए एम यू में डायरेक्टली डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, बाइंडिंग एनर्जी अगर जूल में होता है तो डेल्टा एम इंटू 1.49 × 10⁻¹ जूल, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी अगर मेगा वोल्ट में होता है डेल्टा एम इंटू 931.5, ठीक है। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, जो कि था ये बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, अलग अलग यूनिट पे, ठीक है। एंड पर न्यूक्लियन, सो न्यूक्लियन मतलब क्या है, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या बोल रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, उसको अगर डिवाइड करो, बाइंडिंग एनर्जी को अगर डिवाइड करते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर से, ओके, न्यूट्रॉन नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेकरल, और एक यूनिट होता है रदरफोर्ड, और एक यूनिट होता है कुरी, ठीक है। बेकरल क्या है ना, 1 बेकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, याद रख लो। 1 रदरफोर्ड, क्वेश्चंस आया है, यूनिट पे भी क्वेश्चंस आया है, और जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें यूनिट यूज होता है। सो 1 बेकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 10⁶ बेकरल, है ना, क्योंकि 1 बेकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सो 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इक्वल टू 10⁶ इंटू 1, सो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इक्वल टू बेकरल, 10⁶ बेकरल। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिली रदरफोर्ड इक्वल टू, मिली मतलब क्या है, मिली मतलब 10⁻³, सो 1 रदरफोर्ड को 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई करते तो मिली आ जाते हैं। सो 1 मिली रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁶ तो था ही, ठीक है, सो 10³ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है।
और 10 क्यूब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सो 10 क्यूब बेकरल लिख सकते हो तुम इसको, जस्ट हम कॉन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना करो कोई भी नहीं, बस याद रखना, या एक याद रख लो, बाकी तो 3 हो जाएगा। 1 माइक्रो रदरफोर्ड, माइक्रो मतलब क्या है, माइक्रो मतलब 10^-6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10^-6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 10^-6 इंटू 10^6 इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इक्वल टू हमें पता है कि 1 बेकरल, ठीक है। अब देखो कुरी कुरी में आ जाता है, कुरी यूनिट पे, सो 1 कुरी इक्वल टू 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.7 × 10^10 बेकरल, क्योंकि 1 बेकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सो 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इक्वल टू 3.7 × 10^10 बेकरल। 1 मिली, मिली मतलब इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आ गया 10^7, 3.7 × 10^7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। माइक्रो मतलब 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आ गया, ठीक है। जस्ट एक याद रख लो, 1 कुरी याद रख लो, बाकी तो मिली और माइक्रो मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगा। रेडियन याद कर लो, सॉरी रदरफोर्ड याद कर लो, तो मिली और माइक्रो तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, और 1 बेकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, सो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। सो यूनिट को अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यूनिट के ऊपर, यूनिट भी पूछ लेता है डायरेक्टली, और मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसमें भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, देखते हैं और इधर उधर का देख लेंगे कुछ थ्योरी अगर बाकी है कि नहीं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, जो मैथमेटिकल पोर्शन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर खत्म करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ओके।